हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत टाइम बाद आपको एक बहुत ही कमाल के और फ्रेश वीडियो मिलने जा रही है, जहां पे मैं जो है कुछ वर्क में बिजी था, अपने बिजनेस में बिजी हो गया था, इस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी प्रॉपर तरीके से। बट कमिंग वन वीक के बाद से आपको जो है हर वीडियो प्रॉपर देखने को मिलेगी, जहां पे मैं रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करता था, तो बिल्कुल ट्रैक एकदम वैसे हो जाने वाला है। बट आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं वो बहुत ही कमाल की बिल्कुल फ्रेश होने वाली है, जो कि ये रियलमी की तरफ से रियलमी का बड्स ईयर नहीं, और इसकी प्राइस को लेकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के वीडियो में आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं इसी Realme Buds या Neo को, देखेंगे इसमें स्पेक्स क्या है और सबसे बड़ी बात इसकी प्राइसिंग क्या देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्राइसिंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिल गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट कर दीजिए उसी लाल करके बटन को, ग्रे कर दीजिए बेल आइकन जो उसे प्रेस करेगा, जिससे कि वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे आने वाली वीडियो के, और साथ ही जो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, जहां पे दो कलर हमें देखने को मिल जाता है, बट बॉक्स में तो आपको सिंगल कलर देखने को मिलेगा, लिखा गया है Realme Buds Air Neo और कुछ ब्रांडिंग दी गई है, और पीछे कुछ हाइलाइट्स वगैरह दिए गए, जैसे कि आपको हो गया सुपर लो लेटेंसी पावरफुल R1 चिप देखने मिल जाता है, डायनेमिक बेसबुक ड्राइवर दिया गया है जो कि 13mm का ड्राइवर है, ओपन ऑटो कनेक्शन, गूगल फास्ट पेयर दिया गया, ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी है, स्मार्ट टच कंट्रोल देखने मिल जाता है, और बैटरी का बैकअप भी बहुत ही कमाल का। तो फटाफट से इसको करते हैं अनबॉक्स, और भी आगे जो है फीचर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या इसमें डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, बट फटाफट से पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ अपने अनबॉक्स। ये अपने फेवरेट वाली रामपुरी से ये हो चुका है अनबॉक्स, और मैंने जो ओपन कर लिया इसके रैपर को, और अब फटाफट से निकालते हैं इसके बॉक्स को, जहाँ पे अनबॉक्सिंग होने वाली बहुत ही कमाल की। आप देख सकते हैं बॉक्स, भाई साहब बॉक्स तो निकल ही नहीं रहा है, बस अब निकलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें ये एक फ्रंट में ये देखने को मिल जाता है, जो कि ये Realme Buds Air Neo है, पैक्ड है अपने केस में, तो इसको रखते हैं साइड में। बाकी देख लेते हैं नीचे की तरफ हमें क्या देखने को मिल जाता है, कुछ टिप्स वगैरह देखने को मिल जाता है डिस्प्ले वगैरह को लेकर, जहाँ पे डिस्प्ले बैटरी वगैरह डिस्प्ले करेगा, समथिंग अलग अलग जो है पेयरिंग है, रीसेट के लिए अलग अलग हमें जो है स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही देख लेते हैं हमें और क्या बॉक्स में कंटेंट देखने को मिल जाता है, जो कि दिया गया है एक छोटा सा केबल, जो कि थोड़ा सा चीप टाइप का ही लग रहा है, क्योंकि कहीं पर ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है, कहीं पर Realme की कोई ब्रांडिंग नहीं दिख रही है, तो ये थोड़ा सा सस्ता टाइप का केबल लग रहा है, बट कुछ भी हो, बाकी जो है इधर आपको कोई स्टार्ट गाइड वगैरह देखने को मिल जाता है। तो अब इस सब चीज़ को हटाते हैं और आते हैं अपने मेन चीज़ पर, जो कि है इसका Realme Buds Air Neo, जहाँ पे आपको टच कंट्रोल वगैरह देखने मिल जाता है कि क्लोजली आप देख सकते हैं 2 सेकंड कंट्रोल अगर आप टच किए रहेंगे तो आपका कॉल कट हो जाएगा, साथ ही जो है 3 बार जो अगर आप टैप करते तो ये होगा, और डबल बार करते तो इस तरीके से, मतलब आपको टच कंट्रोल यहाँ आपको हाईलाइट्स दे दिया गया किस तरीके से वर्क करता है, तो आप उसको यूज़ कर पाएंगे अलग अलग तरीके से। बाकी मैं इसको रिमूव करके जो है फटाफट से केस के अंदर देखता हूँ क्या हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको लाइट इंडिकेटर दिया गया है, पेयरिंग बटन टाइप से देखने मिल जाता है, और साथ ही जो नीचे की तरफ हमें माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट देखने मिल जाता है, जो कि ये आपका सस्ता टाइप का लग रहा है माइक्रो USB चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। बाकी ये यूनिट को ओपन करते हैं, इस बॉक्स को ओपन करने के बाद लुक बहुत ही अच्छा सा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे सामने यहाँ डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, और जो डिज़ाइन है बॉक्स का छोटा और कॉम्पैक्ट है, जो कि मतलब आपको जो है इको फ्रेंडली होने वाला है, इजीली आप जो है पॉकेट के अंदर रख भी पाएंगे, इजीली आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो उस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही जो है ये हम बड्स निकाल लेते हैं फटाफट से, तो ये बहुत ही कमाल का है और लाइट वेट भी हमें देखने को मिल जाता है। ये आपका केस है बैटरी वाला, जहाँ पर ये केस होल्डर भी है और चार्जिंग केस भी, दोनों वर्क करता है, तो ये चार्जिंग केस हो जाता है। बाकी जो है ये आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन है इसकी बहुत ही कमाल की है, और यहाँ पे आप देखें तो ये आपको जो है पूरा कम्प्लीटली जो है कर्व देखने को नहीं मिलता, मतलब सर्कुलर पैटर्न में नहीं दिया गया, इस टाइप का सरफेस और इधर का सरफेस आपको पूरा फ्लैट देखने को मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली जो है ये जो सरफेस दिया गया है ये आपका फ्लैट दिया गया है, और यहाँ पे आपको टच कंट्रोल देखने को मिल जाता है। बस एक चीज़ जो इसमें नहीं दी गई है, जो कि इसमें वायरलेस चार्जिंग एक तो नहीं दी गई है, और साथ ही जो है इसमें सेंसर देखने को नहीं मिलता, जो कि सेंसर दिया गया है जो कि आपके ईयर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपका बड्स जो है कान में लगा हुआ है या नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले पॉज कर देता है। तो ये हमें डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साउंड आउटपुट मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कैसे जो इसका साउंड आउटपुट है, क्या क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। तो फटाफट से चलते हैं हम मेन स्क्रीन पे। इसकी साउंड क्वालिटी मैंने चेक की, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस समय तो सच में मतलब बेस्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि पहले के कंपेयर में अगर प्राइस को मैं लेकर बोलूँ तो सच में एकदम बेस्ट है इस प्राइस में, और जो इसमें लगाने में जो कम्फर्ट है वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जा रहा है। मतलब मेरे को रेगुलरली वैसे पसंद नहीं है इस तरीके के बड्स वगैरह, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बट मैं कम्फर्ट की बात करूँ अगर सबके ओपिनियन के बेसिस पे, तो कंफर्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल जा रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग की बात करें तो मतलब कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, बैकअप हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, जो कि 17 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाता है, और साथ ही जो है हमें
410 mAh की ऑलमोस्ट हमें बैटरी देखने को मिल जाती है केसेस के साथ में, तो मतलब टोटल बैकअप आपको 17 आवर्स का देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आईपी रेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है जो कि है IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्वेट वगैरह रेसिस्टेंस वगैरह में देखने को मिल जाता है। तो मतलब इजिली आप जो इसे जिम वगैरह में भी जाके यूज कर पाएंगे। बाकी फीचर्स बहुत ही कमाल के। हाँ, एक चीज और इसमें मिसिंग है जो कि है ENC, जो कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन जो होता है वो हमें मिसिंग है, बट जस्टिफाइड है इसकी प्राइस को लेकर। जहां पे मैं अब बता दूं इसकी प्राइस को लेकर सरप्राइजेस क्यों हैं, क्योंकि जब ये बर्ड्स लॉन्च हुए थे उसके कई महीनों तक जो है इसकी प्राइसिंग थी 2999 rupees, मतलब 2999 rupees की थी, 3000 rupees की थी। बट अब जो प्राइसिंग है इस बर्ड्स की वो सच में मतलब शॉकिंग है कि मतलब इतनी प्राइस कैसे डाउन हो सकती है। सीधे सीधे 1000 rupees का कट डाउन हो चुका है, जो कि 1999 rupees की ऑलमोस्ट 2000 rupees की हमें ये प्राइस देखने को मिल जाती है। तो मतलब इस प्राइस रेंज में तो मैं कहूँगा सबसे बेस्ट है, मतलब कमाल का है। साउंड आउटपुट बहुत ही अच्छा है और एक मतलब एप्पल टाइप का लुक देखने को मिल जाता है। भले ही सेंसर हमें जो ऑप्टिकल सेंसर होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक कि सॉन्ग जो है पॉज होना चाहिए प्ले होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है। बट अगर प्राइस को मैं बोलूँ तो प्राइस के हिसाब से सब कुछ फुलफिल कर देता है, कमाल का बैकअप दे देता है और क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी में अच्छी देखने को मिल जाती है, साउंड आउटपुट जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सब कुछ जस्टिफाइड है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बर्ड्स को लेकर बिल्कुल बेहिचक जो है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये रियलमी बर्ड्स या नियो बहुत ही कमाल के लगे प्राइस रेंज के हिसाब से। और साथ ही वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन से प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल जो है, वीडियो को लाइक करिएगा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।